आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको बताते चले कि वेब सीरीज द फैमिली मैन की बहुप्रतीक्षित दूसरी किस्त रिलीज होने के साथ ही सीरीज विवादों में घिर गई है। इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस समंथा किनेनी के रोल को लेकर शुरू हुआ विवाद गर्माता जा रहा है। तमिलनाडु में वेब सीरीज का कड़ा विरोध हो रहा है और वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग बढ़ रही है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मंत्री टी मनोज थंगराज ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। इन सब के बाद एक्ट्रेस समंथा के ससुर और साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन चिंतित हैं। चूंकि नागार्जुन अपनी बहू को बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए वह उसके विरोध से चिंतित है। नागार्जुन के परिवार के एक सदस्य के मुताबिक स्पॉट बॉय ने कहा, नागार्जुन को इस विरोध का अंदाजा है। वह समंथा को अपनी बेटी मानते हैं और अपने बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। समंथा इस समय काफी मुश्किल में है, यही खबर है। इस वेब सीरीज में समंथा तमिलनाडु के एक आतंकी संगठन के सदस्य की भूमिका निभाती हैं। इस वेब सीरीज के कुछ दृश्यों पर तमिलनाडु में एक खास समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। वेब सीरीज में तमिल समुदाय के संघर्षों का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। कुछ समुदायों ने वेब सीरीज का विरोध किया। समंथा ने इस मामले में सफाई भी दी, मेरे परिवार का हिस्सा भी तमिल है, मुझे तमिलनाडु की परंपराओं और राजनीति की पूरी जानकारी है, तो मैं तमिल लोगों का अपमान क्यों करूं? यह कहकर समंथा ने उनका साथ दिया। वहीं द फैमिली मैन 2 4 जून को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।